महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ी मांग की है। पृथ्वीराज चव्हाण ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को कोरोना संकट की घड़ी में देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों में पड़े सोने के भंडार का उपयोग करना चाहिए। चव्हाण ने ट्विटर पर लिखा, सरकार को देश में सभी धार्मिक ट्रस्टों में पड़े सोने को तुरंत अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, जिसकी कीमत विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार कम से कम $1 ट्रिलियन है। सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से लिया जा सकता है। यह एक आपातकालीन स्थिति है। चव्हाण ने मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों को खजाना खाली करने के लिए कहा तो साधु और पुरोहित भड़क गए। टाइम्स नाउ हिंदी .com की खबर के मुताबिक स्वामी परमहंस और महंत कमल नयन दास ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इससे पहले कि धर्मार्थ ट्रस्टों से सोना लिया जाए, ये जरूरी है कि कांग्रेस नेताओं ने जो संपत्ति गलत तरीके से जमा की है उसे जब्त किया जाए। 70 सालों में कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र व विभिन्न राज्यों की सत्ता में रहते हुए गलत तरीके से धन जमा किए हैं। यानी चव्हाण की इस मांग से धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग भड़क गए हैं। आपको बता दें कि इस समय देश के मंदिरों और धार्मिक ट्रस्टों के पास करीब 76 लाख करोड़ रुपए या करीब $1 ट्रिलियन का सोना पड़ा हुआ है। ये करीब करीब भारत की जीडीपी का आधा है। मोदी सरकार ने जो 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है वो जीडीपी का मात्र 10% है। अब जरा सोचिए, अगर मंदिरों और धार्मिक संगठनों में बैठे मठाधीश अपना खजाना जनता के लिए खोल दें तो इस महामारी से लड़ने में देश की कितनी मदद हो सकती है। जनता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा भला किस काम आ रहा है। देश के अलग अलग मंदिरों में कितना चढ़ावा है इस पर द शूद्रा ने स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी, उसे भी आप जरूर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।